कैसे हो आप सब, स्वागत है और न्यू वीडियो में। तो देख सकते हैं आज हम लोग का बिहार एक्सप्लोरिंग का 6वां डे है और अभी हम लोग जमुई में ही है और फिलहाल में आज जाने वाला है बिहार, बिहार का मिनी शिमला कहे जाने वाले सिमुतला में, जहाँ पर लट्टू पहाड़ के पास बना हुआ है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद आए थे अपना ट्रीटमेंट के लिए और इसे पहले हेल्थ हब के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए वहाँ जो भी जानकारियाँ होती है वह चल के बताते हैं और जो भी मिलती है मोटर ब्लॉगिंग में चल के दिखाते हैं। हम लोग हैं सिमुतला के राजा की कोटी के जाने के रास्ता में और यहाँ पर नेचर प्रेमियों का सबसे ज़्यादा, अगर विंटर सीजन में देखिएगा तब लोग यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। और ऐसा है कि बंगाल के जो राजा हुआ करते थे वहीं पर इनका 300 कोटी बनाए थे, जैसे देख सकते हैं एक ये कोटी रहा, लेकिन फिर लैंड माफियों के कारण यहाँ पर सारा जो कोटियाँ हैं बर्बाद हो गया। आप ये देखो सारा यहाँ पर कोटियाँ हुआ करता था और यहाँ पर हीलिंग करने के लिए, मतलब नेचुरल जो हेल्थ हीलिंग होती है उसके लिए यहाँ पर लोग पूरे देश विदेश से आया करते थे, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र है जो वन विभागीय क्षेत्र है और यहाँ पर औषधि है जो बहुत रूप से मिलती थी और उस समय इसे नेशनल कैपिटल, हेल्थ का नेशनल कैपिटल बोला जाता था सिमुतला का। और फिलहाल में देख सकते हैं कि जहाँ आप लोग को दिखेगी सिर्फ कोठियाँ ही कोठियाँ मिलेगी, अब पुराने कोठियों से लुप्त दिखेगा। ये देखो यार, कुछ लोग तो जैसे कोठियों को अपना लिए हैं तो उसमें लोग रह रहे हैं तो उसे सजा के रखे हैं और सारा में आप लोग को फूल पत्ती देखने को मिल जाएगा। और ये बेहद खूबसूरत जगह है, अगर आप बिहार में हैं और ये इस जगह को विंटर में ज़रूर घूमिएगा, क्योंकि जो सारा लोग शिमला उमला जाते हैं वहाँ इस वेदर का एंजॉय करने के लिए आते हैं शिमला में। चारों पर तरफ ये पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर आने के बाद ये मनमोहक जो खूबसूरती दिखती है उसे तो कुछ बात ही नहीं किया जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे ये देख सकते हैं कि ये कोठी है जो खंडर बन चुका है, ऐसे ही बहुत सारा कोठियों को लैंड भू माफिया द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। कुछ ये रहा राजा की कोठी और ये खूबसूरत सा सिमुतला का हिल स्टेशन रहा, यहाँ पर लोग विंटर सीजन में सैलानियाँ आती है, विजिट करती है और इसी को बिहार का फर्स्ट हेल्थ कैपिटल बोला जाता था। तो जैसा कि बिहार में बात करते हैं कि जब धरोहर की बात होती है कि हमारे पास ये है हमारे पास वो है, सारा जो लोग जाएंगे तो वहाँ पर हल्ला करेंगे कि हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी है, हमने हेल्थ कैपिटल दिया, हमने राष्ट्रपति फर्स्ट राष्ट्रपति दिया, लेकिन जब उसे बात संजोगने की आती है, बात उसमें रखने की आती है तो देखो यार किस तरह से जर्जर हो चुकी है। जो इसे हमारे टूरिज्म की ओर से भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और देख सकते हैं कि कितना जर्जर ये हो रखा है, जो किस हालत में, जो जर्जर हालत में पूरे के पूरे। यही हुआ करती थी यहाँ के पहले नेशनल हेल्थ कैपिटल। और इससे बिहार का फर्स्ट हेल्थ कैपिटल के नाम से जाना जाता था। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये पहले जब अंग्रेजों का समय हुआ करता था उससे पहले यहाँ पर लोग हेल्थ कैपिटल मतलब अपना ट्रीटमेंट ले आया करते थे। ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं बनिया क्षेत्र, इसमें पूरा आयुर्वेदा का चीज़ पाया जाता है और ये हमारा पीछे रहा राजा की कोटी, ऐसा 300 कोटी यहाँ पर पाया जाता था, लेकिन ये महत्वपूर्ण कोटी है। स्वामी विवेकानंद जिन्हें आप जानते होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे उनके बारे में, यहाँ हेल्थ ट्रीटमेंट के आए थे, लेकिन इस धरोहर को अब हो गया है सीता भर से रीमा और गीता भर से इस धरोहर को हमारे ख़राब किया जा रहा है। जैसे बिहार में तो सब लोग बोलते हैं कि हमारे पास नालंदा खंडर है, नालंदा यूनिवर्सिटी था, बिहार का पहला राष्ट्रपति थे, लेकिन जब उसे संजोगने की बात आती है तो इस तरह से देख सकते हैं कि MP काजल भर से जूलिया आई लव यू, मतलब कुछ भी यहाँ पर लिख दिया जाता है, यही सब चीज़ है। अगर लड़ाई करने के लिए कहिएगा तो गोतियों में लड़ जाएंगे। जब इस तरह से हमारा इतिहासों का संजोगने की बात आएगी तो सारा चीज़ विध्वंस कर देंगे। और अब ज़मीनी स्तर पर हम लोग आए हैं देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। जैसे बिहार टूरिज्म में बोलती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो खंभा का लाइन है उसे भी तोड़ के रख दिया गया है, तो क्या ही बोले हम। लेकिन इस खूबसूरत सा जगह को आप लोग आइए, विजिट कीजिए और टूरिज्म की ओर से आप लोग गुहार लगाइए, इस जगह को बढ़ावा मिले। और यहाँ पर तो विंटर के सीजन में सैलानियाँ आते हैं और साथ में जैसे बर्ड से यहाँ हीलिंग करने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ पर अब तो गांजा और सिगरेट का चरस का ये दुकान बना दिया गया है,
इसी तरह से हमें बिहार का संजोगना है किसी न किसी तरह से, और ये सब हिस्ट्री को रखना है। तो चलिए एक प्यारा सा ड्रोन शॉट लेते हैं। मिनी सिमुतला बोला जाता है, मिनी शिमला बोला जाता है, शिमला का छोटा भाई सिमुतला। और यहाँ का वादियाँ में भाई अभी भी वो हीलिंग है, अभी भी आप शहर में रह रहे हो अभी भी यहाँ पर बात अभी भी करे अभी भी वही चीज है। आइएगा तो यहाँ पर कामनेस मिलेगी, और वो सारा चीज कहीं ना कहीं ये सबसे ऊंची पठार पर बना हुआ है, और सारा पठारों के बीच में वो पेड़ पौधे अभी भी हैं जिसे औषधि का हब बोला जाता था। अभी भी अगर सरकार यहाँ पर डेवलप करती है, सरकार अगर खोज करती है तो मिलेगा। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि ये सब बिहार सरकार की ये सब नाकामियां हैं, जो पीछे देख सकते हैं कि जर्जर प्रभाव पड़ चुकी है। और यहाँ का लोग जो बिहार के लोग हैं उनकी सबसे बड़ी नाकामियां हैं कि यहाँ पर दिमाग में गोद दिए नाम, जैसे उधर देखिए सुरेश संग रीमा, सूरज संग क्या चीज है भाई, क्या चीज, क्या मतलब चाहते हो, मतलब हमारा गर्लफ्रेंड नहीं है तो मतलब तोड़वा दे इसको, बताइए। ये सब चीज नहीं होना चाहिए, बिहार के लोगों को ये सब चीज ध्यान देना चाहिए कि जो धरोहर है उसे बचा के रखते हैं। लेकिन फिलहाल मैं बात करते इसे मेन बातों की, तो यहाँ पर 300 कोठियां हुआ करती थी, ऐसे तो बोला था कि 500 कोठियां हुआ करती थी, लेकिन अभी 300 कोठियां को बचाया गया है। और यहाँ का जो भी लैंड को माफिया है उन्हें द्वारा सारा के द्वारा विध्वंस किया जा रहा है। फिलहाल मैं गाइस बात करें यहाँ के, अगर मैं गूगल की बात करूँ तो गूगल का बताता कि जो प्रसिद्ध डायरेक्टर थे बीएन सरकार, उनका भी एक कोठी हुआ करता था, और साथ में वो गवर्नर भाइसलर का और किंग ऑफ ढाका का, और साथ में स्वामी विवेकानंद का यहाँ पर आश्रम हुआ करता था, यहाँ के रहते थे। और जैसा कि मैं थोड़ा सा कैमरा में आप लोगों को यहाँ सिनेमेटिक दिखाता हूँ, जैसे आपने ड्रोन शॉट में देखा होगा कि सारा जगह ये वादियाँ हैं जो खूबसूरत सा पेड़ पौधों से लिपटा हुआ है। और भाई जो हवा आ रही है, मैं अभी फील कर रहा हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, फील कर रहा हूँ पूरे। अभी मैं जहाज मतलब सिमुतला का जो मार्केट है वहाँ सारे, वहाँ पर बहुत हीटिंग वेव चल रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद ये ठंड लग रही है, मतलब ये हवा में महसूस हो रही है कि आप लोग कुछ होगा नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सरकार भी देखे और जो धरोहर बचा हुआ है उसे बचा के रखा जाए तो बेटर रहेगा। और धरोहर तो सारा लोग भी ख़राब कर रहे हैं, क्या ही चीज़ बोले, आग से आंसू आ जाती है सब बिहार के धरोहर को देख करके। लेकिन देखिए भविष्य में अगर ये बचता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और फिर से इसे नयाब दिया जाए जो पहले हीलिंग कैपिटल हुआ करता था उसी तरह से। और चारों पट्टी आप देखिएगा तो ये बीच में पूरे पठारियों से घिरा हुआ है। अब चारों तरफ देखिएगा तो चारों तरफ आप लोग को पहाड़ों से घिरा हुआ ये सिमुतला का क्षेत्र मिलेगा, और इसी कारण इसे बोला जाता था मिनी शिमला। तो फिलहाल में गाइस जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 300 कोठियां हुआ करती थी, और जो महत्वपूर्ण लोग हैं जैसे स्वामी विवेकानंद आए थे, और पूरे भारत का मशहूर डायरेक्टर, ये थिएटर डायरेक्टर बीएनसी सरकार का बंगाल का जो थे उन्हीं का ये कोठी हुआ करता था। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है जो कोठी, कितना खूबसूरत दिख रही है जो, और ये जितना भी पहाड़ देख रहे हैं सब में अभ्रक पाया जाता है भाई, आपको देख रहे पूरा रोड पर चमक रहा होगा भाई, कितना खूबसूरत ये सौंदर्य है हमारे सिमुतला का। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे बताए हैं, झरना तो है और जो 365 दिन चलती है, तो चलिए क्या होता है नहीं होता जो देखते हैं।